हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज़ कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे 24K एस्पडा बाय कोलते पाटिल एट लाइफ रिपब्लिक नियर हिंजवाड़ी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें सारे रो हाउसेज है, 4 BHK एंड 5 BHK। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहला आप देखेंगे ये 4 BHK का रो हाउस है, जिसमें आपको एंट्रेंस में 2 पार्किंग स्पेस दिया गया है। और जैसे ही आप रो हाउस के अंदर आप जाते हो तो ग्राउंड फ्लोर पर किचन होगा, एक बेडरूम होगा और लिविंग स्पेस होगा। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम दिया गया है और सेकेंड फ्लोर पर 1 बेडरूम दिया गया है, उसके साथ में लिविंग रूम होगा और प्लस बड़ा सा डेक दिया गया है और उसके ऊपर टेरेस है। तो 5 BHK में दोस्तों, नीचे आपको 3 पार्किंग की जगह मिलती है और प्लस ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम, एक बेडरूम, किचन। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम आएगा और सेकंड फ्लोर पर 2 बेडरूम रहेगा और उसके साथ में और एक छोटा सा लिविंग रूम होगा और उसके ऊपर टेरेस है। तो पहले तो दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन मैप में हम लोग समझ लेते हैं, ये जो सारा जो टाउनशिप है 395 एकर का, ये लाइफ रिपब्लिक है डेवलपिंग बाय कोलते पाटिल। और इस तरफ आप देखेंगे, दिस इज मुंबई बैंगलोर हाईवे। और ये जो लोकेशन है, ये पुनवले है, इसके अदर साइड में मुरुंजी है और इसके पास में यहाँ पर हिंजेवाड़ी है। अगर आप पुनवले से ईस्ट गेट के ऊपर आते हैं तो 1.5 किलोमीटर है, और अगर आप नॉर्थ गेट के ऊपर आते हैं तो हाईवे से 2.5 किलोमीटर है। और उसी तरह अगर आप भूमकर चौक से यहाँ पर मेन गेट तक आते हैं तो 5 किलोमीटर है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट, रिटेल प्लाजा, सारा कुछ इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को 3 गेट दिया गया है। तो अगर आपको टाउनशिप के अलावा अगर बाहर की कुछ सुविधा लेनी है तो जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। तो पुणे के काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, हिंजवाड़ी आईटी हब इसके बिल्कुल पास में है। उसके बाद यहाँ पर मास्टर प्लान में आप देखेंगे, ये पूरा टाउनशिप है जो कि 395 एकर्स का है। और अभी जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो 24K एस्पेडा यहाँ पर लॉन्च किया है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 24K एस्पेडा, और ये रेक्टेंगल प्लॉट है यहाँ पर। तो ये प्लॉट जो है करीबन 5.65 एकर का ये प्लॉट है, और इसमें अभी डेवलपर ने टोटल 95 रो हाउसेस लॉन्च किया है। तो इस प्रोजेक्ट का जो एमिनिटीज़ है वो अलग एमिनिटीज़ रहेगा, जैसे स्विमिंग पूल है, हेल्थ क्लब है, क्लब हाउस है, ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज़ में दिए गए हैं। तो टोटल 18+ एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में दिया गया है, जो कि प्योरली वो 24K एस्पेडा के लिए रहेगा। और प्लस आपको टाउनशिप लेवल में भी एमिनिटीज़ मिलता है, तो टाउनशिप लेवल एमिनिटीज़ जो होगा वो बेसिकली सबके लिए होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये 5.65 एकर का लैंड पार्सल है, और यहाँ पर आप देखेंगे सारे रो हाउसेस है, ये टोटल 95 रो हाउसेस है। और यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे ये क्लब हाउस है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, और प्लस कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पर ओपन एमिनिटीज़, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर लॉन दिया गया है, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है, प्लस यहाँ पर भी कुछ 2 एमिनिटीज़ दिया गया है। तो टोटल 18+ एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहला तो दोस्तों, आपको ग्रैंड एंट्रेंस गेट मिलता है, स्विमिंग पूल होगा, किड्स पूल, जाकुजी, सन कैन सिटिंग, फीचर वॉल, मल्टीपर्पज लॉन, फीचर सिटिंग, स्कल्पचर, किड्स प्ले एरिया, माउंट्स, मेडिटेशन गार्डन, एरिया फॉर पेट पार्क, अरोमा गार्डन, स्केटिंग रिंक, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, लाइफ रिपब्लिक ये लग्जरी सेगमेंट में आता है, और ये लग्जरी सेगमेंट का टाउनशिप है। इसमें एमिनिटीज़ भी जो दिया गया है पूरे टाउनशिप में, वो सारा लग्जरी एमिनिटीज़ है। पुणे के कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ से। प्लस इस प्रोजेक्ट में लाइक माइंडेड कम्युनिटी है। प्लस डिस्टेंस वाइज अगर एस्पेडा से अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो तथावड़े में है वो हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। एट द सेम टाइम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, हार्डली मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इस टाउनशिप में लगभग 15,000 फैमिलीज आएंगे रहने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा ये टाउनशिप होगा। प्लस सभी एज के ग्रुप यहाँ पर होंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट होगा इट वुड बी लाइक अ हेवन टू यू।
प्लस एस्पेडा को 24K एस्पेडा नाम दिया गया है। तो 24K बेसिकली इसके लिए बोला गया है ताकि आपको यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक इमेज है, ये 4BHK का और काफी एलिगेंट लुक है रो हाउस का, और जितने भी फिटिंग फिक्स्चर्स डेवलपर ने दिए सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इसमें दिए हैं। तो 4BHK में 2 पार्किंग दिया गया है, प्लस पीछे की तरफ आप देखेंगे लॉन भी दिया गया है, प्लस आसपास के सराउंडिंग एरियाज में डिसेंट प्लांटेशन दिया गया है। तो लिविंग रूम में दोस्तों डाइनिंग स्पेस के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है और लिविंग रूम सेपरेट होगा, और अंदर से जो फ्लोर टू सीलिंग जो हाफ लिविंग रूम का जो होगा वो कम से कम 22 फीट होगा, और जो आधे लिविंग रूम का हाइट है वो करीबन 9.8 फीट के आसपास होगा। तो आप अपने लिविंग रूम को जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक फैमिली लॉन्ज बना हुआ है, सोफा है, तो आप जैसा चाहे वैसे उसको डेकोरेट कर सकते हो। बेडरूम भी दोस्तों आपको बड़े साइज का बेडरूम यहाँ पर मिलता है, और बेडरूम के एक तरफ राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आप कोवर्किंग स्पेस भी इसको बना सकते हैं, या तो आप इसको स्टडी टेबल भी बना सकते हैं। सो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द बेडरूम, जहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडो है और बाहर की तरफ बड़ा सा बैल्कनी दिया गया है। तो ये 4BHK का प्लान है जिसमें बाहर की तरफ बड़ा सा डेक आता है और सारे रो हाउसेस के बीच में एमिनिटीज एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 1 लेवल का क्लब हाउस है, सो वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड क्लब हाउस। और बाहर की तरफ आप देखेंगे बड़ा सा लॉन है, और उसके बाद पाम ट्रीज है, प्लस प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन इज देयर, LED लाइट्स आर देयर, सो वेरी एलिगेंट लुक ऑफ द क्लब हाउस। सो दिस इज वन ऑफ द एमिनिटीज, जहाँ पर आप देखेंगे किड्स प्ले एरिया है, और किड्स प्ले एरिया में भी नीचे की तरफ सॉफ्ट फ्लोरिंग दिया गया है सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन। सो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे सन डेक है, पाम ट्रीज है, प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन विद LED लाइट्स, सो वेरी एलिगेंट लुक ऑफ द क्लब हाउस एंड स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द रो हाउस। तो यहाँ पर दोस्तों 4BHK में अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, बाहर की तरफ आपको 2 पार्किंग मिलता है, और जब अंदर की तरफ आप आते हो तो शुरुआत में लिविंग स्पेस है, उसके पास में डाइनिंग स्पेस है, साथ में एक बेडरूम है, यहाँ पर कॉमन वॉशरूम है, और ऑपोजिट साइड में किचन है, और बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा लॉन भी दिया गया है। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है और ये स्टेयरकेस है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे आप आते हो तो सेकंड फ्लोर पे एक बेडरूम यहाँ पर है, दिस इज 4th बेडरूम, और प्लस यहाँ पर लिविंग स्पेस दिया गया है। और उसके बाद सेकंड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे दिस इज टेरेस एरिया। तो ये जो एलिवेशन दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एलिवेशन बेसिकली 5BHK का है, जहाँ पर आप 3 कार आराम से आप पार्क कर सकते हो, और एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर है, 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है, 2 बेडरूम सेकंड फ्लोर पर है, और उसके ऊपर टेरेस दिया गया है। तो 5BHK में आप देखेंगे यहाँ पर 2 कार है, बीच में एक कार और एक आ सकती है। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे अंदर जाते हो तो फॉयर एंट्रेंस है, यहाँ पर लिविंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस, एक बेडरूम और किचन। तो एक बेडरूम आपका ग्राउंड फ्लोर में आ गया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, दोनों अटैच्ड है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर अगेन 2 बेडरूम है, और एक बेडरूम के साथ में आपको यहाँ पर बैल्कनी मिलती है, फर्स्ट फ्लोर में भी बैल्कनी दिया गया है। और सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर 2 बेडरूम है, आप देखेंगे यहाँ पर लिविंग छोटा सा लिविंग स्पेस बनाया हुआ है। और फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर आप जाते हो तो ये रूफ टॉप एरिया है। सो दिस इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड रूफ टॉप। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके कारपेट एरिया और प्राइजेस के ऊपर। तो यहाँ पर 4BHK कारपेट 3025 एरिया है, जिसका प्राइस 2.60 CR से शुरू होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और 5BHK 3618 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 3.10 CR से शुरू होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2025 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।